Yeah, but we're not required to submit. Prison. Prison, क्या होता है? एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से ध्यान से सुनते हैं। देखो प्रिज्म और पिरामिड इन दोनों में अंतर समझो। तो मैं तुम्हें कॉमन सा पार्ट बता रहा हूँ, अब वहां से बड़े आसान से समझ पाओगे। ऐसी फिगर जिसका बेस और टॉप सेम होगा क्या होगा? प्रिज्म। और ऐसी फिगर जिसका बेस और टॉप अलग अलग होगा क्या होगा? क्या फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, इसका बेस क्या है? सर्कल। टॉप क्या है? सर्कल। तो बेस और टॉप सेम है तो इसे हम पिरामिड बोल सकते हैं, प्रिज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसका कैप हटा दिया तो बेस क्या है? सर्कल। और टॉप क्या है? पॉइंट। तो बेस और टॉप अलग अलग हो गए तो अब ये पिरामिड हो गया। अगर अब की बात करोगे तो और अब डिफरेंस क्लियर हो गया, मतलब अगर बेस टॉप सेम है तो क्या होगा? प्रिज्म। और बेस टॉप अलग अलग है तो क्या होगा? पिरामिड। मतलब अगर कोण की बात करोगे शंकु, कोण क्या बोल सकते हैं आप? पिरामिड, ठीक है। और अगर आप सिलेंडर क्यूब की बात करोगे प्रिज्म। असंधारी मतलब कोई भी ऐसी फिगर जिसका बेस और टॉप सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म। और बेस टॉप अलग अलग है तो वो होगा पिरामिड। तो हम इस बात को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर पर जब बेस टॉप सेम हो जाएगा तो स्लैंट हाइट तो बननी ही। असंधारी इसका मतलब ये तो नॉन स्लैंट हाइटेड वाली फिगर होगी। और प्रिज्म को छोड़ के जब पिरामिड की बात चलेगी तो पिरामिड में तो आ जाएगी स्लैंट हाइट। इसका मतलब पिरामिड को हम स्लैंट हाइट वाले पार्ट पर जाएंगे और प्रिज्म को हम नॉन स्लैंट हाइट वाले पार्ट पर जाएंगे। कैसे पढ़ोगे? देखो नॉन स्लैंट हाइट वाले जो पार्ट है, जैसे अगर हमें बनाना है पिरामिड, पिरामिड अगर मैं इस पर ट्रायंगल बेस ले लेता हूं तो कैसे बनाऊं? इसे एक बार नोट करो, फिर आगे चलो।
एक प्रिज्म का आधार 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है। एक प्रिज्म का आधार 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए ट्रायंगल। बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए ट्रायंगल whose sides are 3 cm, 4 cm and 5 cm. 3 cm, 4 cm and 5 cm. Height of prism is 10 cm. Find LSA, TSA and volume. Find LSA, TSA and volume. देखो अगर ये हमने इसका एक बेस लिया इसकी साइड 3, 4 और 5 तो ये जो बेस बना ये भी 3, 4 और 5 का होगा। प्रिज्म बन गया। सुनो यार तो इसका हमें निकालना है LSA या TSA। LSA क्या होता है? पैरामीटर ऑफ बेस। तो बेस का पैरामीटर 4 और 3, 7 और 5, 12 हो गया। और हाइट कितनी है? 10। तो 12 × 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका LSA। बस समझ आए? देखो 4 और 3, 7 और 5, 12। तो बेस का पैरामीटर कितना हो गया 12। तो हाइट कितनी दी गई 10। तो 12 × 10 सीधा लिख देंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात होगी टोटल सरफेस एरिया तो देखो सब बताया गया जैसे CSL हो गया होगा मतलब 120 तो उसमें होगा प्लस क्या होगा लोअर पार्ट का एरिया और अपर पार्ट का एरिया। लोअर पार्ट में क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है 3, 4, 5। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट तो 3 × 4 तो 2 से काटोगे तो कितना आ गया 6। तो इसका मतलब बेस का जो एरिया है वो कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर बेस का 6 है तो टॉप का भी 6 होगा तो 12 जोड़ने के साथ कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर बात करोगे वॉल्यूम तो वॉल्यूम के बारे में क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है 6। हाइट कितनी है तो इसका मतलब 60 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होता है। अरे बोल क्या हो गया सारा गया base of a prism is an equilateral triangle. Base of a prism is an equilateral triangle of side 6 cm and its volume is 108 root 3
वॉल्यूम कितना 103 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड फाइंड ऊंचाई, फाइंड हाइट। एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है जिसका आयतन ₹108.3 सेंटीमीटर क्यूब है। ऊंचाई के बारे में नेक विचार प्रकट करें। पायलट को पता चला हम पायलट नहीं पढ़े उनके पास है सर। MiG-21 और F-16 में क्या डिफरेंस है? MiG-21 बहुत पुराना एरोप्लेन है सर। MiG-21 70 साल का था जो लेक हो गया। हाँ ठीक है। MiG-21 है उसे उड़ा दे। कौन सा विरासत का उसमें कंपैरिजन करेगा तो विरासत का काफी ऊपर चला जाएगा। हाई लेवल पे चला जाएगा। अगर सत्य पर बन चुका इससे अगले वाले मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। जैसे सीजीएल वाला हो गया 18 वाला ठीक है ऊपर होगा तो उसको जो भी आप उसमें देना जा रहे हो तो पढ़ के जाना। ठीक है। उसमें क्या कंडीशन होती है कब आया था कौन लेकर आया था एक बिजनेसमैन था वो जो कन्वेंशन बनाने वाला था। ठीक है। उसी ने मतलब आपको लगेगा कि ये तो सर यूएन का बना अपार्ट हो गया उसका होगा एक बिजनेसमैन चला रही थी ये बात की क्योंकि वो शायद जर्मनी में पता नहीं कहाँ था वो बिजनेस कर रहा था वहां से उसने अपना बिजनेस सेटअप किया होता बीच में युद्ध हो जाता उसका बिजनेस खत्म तो फिर से जाकर शुरू करने की कोशिश करता है तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि अब करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ। बस समझ आ गया। तो उसने क्या बोला कि जितने भी युद्ध में बंदी होंगे वो छोड़े जाएंगे जो मरे हुए उनकी जो लाश होगी वो उनके देश को दे दो या फिर आप उसे सही तरीके से अंतिम संस्कार को उसका भाई अगर जो भी पार्ट है जिसके तरीके से आग लगाए जाते हो आग लगाओ ठीक है या फिर दफनाया जाते हो दफना ठीक है जो भी कंडीशन है मतलब उसको उस पार्ट पर लेके जाओ। कोई नॉर्मल आदमी पकड़ा गया मतलब सैनिक तो सैनिक उसके साथ अगर कोई नॉर्मल आदमी क्रॉस कर गया जैसे ठीक है तो उसे भी आपको सही सलामत भेजना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी कंडीशन के पे आपको पहली बार भी पायलट जा चुका है वैसे नचिकेता नाम था उसका। ठीक है। वो कैप्टन उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन उससे पूछ रहे तो मना कर रहे हैं ठीक है वीडियो देखी होगी तो हां सर ठीक है उसने उनसे पूछे देसा क्वेश्चन जो जो उससे लगा कि हां सही है तो उसने रिप्लाई कर दिया नहीं लगा तो फिर मना कर दिया कि मतलब मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको बताना चाहिए। उसे ये पूछा गया कि कौन सा विमान उड़ा रहा था तो उसने मना कर दिया। ठीक है। उससे पूछा गया तू मैरिड है तो उसने हां कह दिया। ठीक है। सर्विस नंबर पूछा उसने बता दिया। ठीक है। और फिर नॉर्मल बातें करते लेकिन ये बात हमें सिर्फ कैमरे के सामने दिखाई दी। ठीक है। अब कैमरा बंद होने के बाद उसके साथ में क्या कर रहे थे किस किस का प्रपोजल था स्टार्टिंग में पूछ रहे थे कि शुरुआत में कितने देशों ने साइन किए थे 14 थे 14 कंट्रीज थे जिन्होंने स्टार्टिंग में साइन किए थे कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें। बस अगर तो उसके बाद फिर पढ़ते चले गए बाद में तो शुरुआत वाले पूछ रहे थे कि कितने देश थे ठीक है क्या कंडीशन है समझ आ गई बात। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या होगा जो प्रिज्म का क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछ रहा है आपसे। ठीक है। मोस्टली टाइम्स वॉल्यूम रहेगा और हाइट पूछ रहा होगा। ठीक है। अब तक तो 3-4 इसको मतलब √3/4 × साइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम दिया गया वो 108√3 दिया गया तो बराबर कितना होगा √3/4 × 6 ठीक है और इनटू हो जाएगा h √3 से पहले तो √3 काट दिया। ठीक है। काटो से 8 और 1 9 है तो 3 से कटेगा 3 से क्या 2 बार और 3 से 3 और 3 4 12 ठीक है तो कितना 36
12 से 3 बार तो h बराबर 12 सेंटीमीटर। Find volume.
एक पिरामिड जिसका आधार दस रूट तीन सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। एक पिरामिड जिसका आधार दस रूट तीन सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें। तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में बस एक ही बात समझना है, कैसी वजह से लिखा है, क्या समझने की बात है, हाइट कहां से आ रहा है। स्लैंट हाइट दी गई होगी, तो हाइट निकालने के लिए क्या लेनी पड़ेगी, इसकी
इन रेडियस प्लेन में देखिए आप ध्यान रखना बस, इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक हो रहा था। देखो बेस ऑफ ए पिरामिड इज ए स्क्वायर, बेस ऑफ ए पिरामिड इज ए स्क्वायर, हूज डायगोनल इज, हूज डायगोनल इज ट्वेंटी फोर रूट टू सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1728। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1728। सेंटीमीटर क्यूब फाइंड हाइट, फाइंड हाइट। एक पिरामिड का आधार 24 रूट दो विकर्ण वाला वर्ग है। एक पिरामिड का आधार 24 रूट दो विकर्ण वाला वर्ग है। पिरामिड का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, ऊंचाई ज्ञात करें। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? ए रूट टू। ये एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल दिया हुआ है 24 रूट टू, तो इसकी साइड बोलो 24। अगर हम इसके ऊपर पिरामिड बना दिया, बात समझ आ गई? तो इसके लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना,
वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट. वॉल्यूम 1728 है, 1/3 एरिया ऑफ बेस 24 × 24 हो जाएगा और गुणा में है 14. 1728 होता है 12 का क्यूब होता है, तो आप इसे 12 × 12 × 12 लिख लो और ये 1/3 × 24 × 24 × 6 तो देख 12 से 24 काट के दो बार, 12 से 24 काट के दो बार, तो 4 से 7 गए 3 बराबर. किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश इफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज कवर्ड with respect to its diagonal at the rate 52 meter per minute in 15 seconds. एक आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है. We can cover it. We can cover it at the rate 68 meter per minute with respect to sides. B, उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उतने ही समय में तय करता है. We can cover it at the rate 68 meter per minute with respect to its sides in the same time. Find area of rectangular field. Find area of rectangular field. तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें. आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो क्या कह रहा है, इधर देखो ए के बारे में बोला गया कि ए अगर डायगोनली जाता है तो 52 मीटर प्रति मिनट से 15 सेकंड में पहुंच जाता है. बी का बोला गया कि अगर वो साइड के रेस्पेक्ट में जाता है तो 68 मीटर प्रति मिनट से कवर कर जाता है. ठीक है, तो आपसे पूछा गया इसका एरिया बता दो. तो देखो सिंपल सी बात, अगर वो 52 मीटर पर मिनट जाता है तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि एक मिनट में 52 मीटर जाएगा. ठीक है, तो एक मिनट का मतलब आप 60 लिख सकते हो कि 60 सेकंड में 52 मीटर जाएगा, तो 15 सेकंड में होगा कितना जाएगा. निकालने के लिए 4 से 2 से भाग दिया और 4 से 1 से भाग दिया, तो 15 सेकंड और 4 से भाग देते 13. वास्तव है इसका मतलब 15 सेकंड में कितने मीटर जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो डायगोनल होगा कितने मीटर का होगा, 13 मीटर होगा. जब ये स्क्वायर है तो पक्का 90 डिग्री होगा. अगर कोई हाइपोटेनस 13 का है तो साइड 12 और 5 नहीं लिख दोगे अपने तरफ से, अगर 5 बार 13 ट्रिपलेट होती है तो एरिया हो गया हमारे अकॉर्डिंग 12 × 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. बस इतना सा क्वेश्चन. तरीके से बताओ तो बोर्ड भर जाएगा. ये बता दे रहा हूँ तरीके से नोट कर लो.
इसमें बस इतनी बात की तरह से पता चल जाएगा कि आप थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे कि राइट हैंड का साइन गलत है यार, क्योंकि इसका मतलब 5 और 12 पक्का होगा। मैं समझा रहा हूं सीधा 5 हो गई मान लो लें और 12 मान ले ब्रेथ हो गई तो लगभग लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा, तो 12 गुना 5 60 हो जाएगा आंसर। अगर किसी बात को समझ लेते हैं, सुनो ध्यान से, 52 मीटर पर मिनट आपने देखो सर 60 सेकंड में जाएगा 52 मीटर, तो 1 सेकंड में जाएगा कितने मीटर, 52 डिवाइड बाय 60 तो 15 सेकंड में जाएगा, 15 सेकंड में जाएगा 13 मीटर। ठीक है, किस लोगे बात, ठीक ये डायगोनल है तो जब ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ अगर हम इसे लिख लेते हैं तो डायगोनल जो आएगा क्या वो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसका मतलब आप लिखोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 के होगा, क्योंकि रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 के है। लिख लोगे, ठीक है। दूसरे सिचुएशन से क्या बोल रहा है कि 15 सेकंड में 68 मीटर, तो अगर इसका मतलब 60 सेकंड की बात करोगे 60 सेकंड में 68 मीटर जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 68 डिवाइड बाय 60 जाएगा, और आपसे कितने सेकंड में कह रहा है कि 15 सेकंड में कवर कर जाएगा, तो 68 डिवाइड बाय 60 गुणा 15 से क्या 4 बार तो कितना आएगा 17 मीटर हो गया, इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर हो गया 17। ठीक है, तो आपके पास a प्लस b है, तो आप a प्लस b का जब होल स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2l भी हो, तो देखो l प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2l भी हो, इसे सेट करो तो 289 माइनस 169 इज इक्वल टू 2l, तो 120 इज इक्वल टू 2l, तो l इज इक्वल टू बताओ दिल को शांति मिली होगी तुम्हारे। देखो रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इज मेड यूजेबल टू प्ले गेम्स, रेक्टेंगुलर फील्ड इज मेड यूजेबल टू प्ले गेम्स, thousand rupees was spent at the rate 25 paise per meter square, at the rate 25 paise per meter square, breadth of the ground is 50 meter, if length of the ground is increased by
20 meter, what will be the expense in rupees? What will be the expense in rupees at the same rate per square meter? At the same rate per square meter, एक आयताकार खेल का मैदान, एक आयताकार खेल का मैदान खेलने लायक बनाने के लिए, एक आयताकार खेल का मैदान खेलने लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपए खर्च किए गए, 1000 रुपए खर्च किए गए, मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए, यदि लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर से, तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर से 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर लेता है, मतलब कोई आदमी हम सबको लगा कि तो भाई से सही बनाते खेल रहा है, हम तुझे 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से देंगे, तो देखो 25 पैसे दिए गए एक स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो एक पैसा जाएगा, एक पैसा जाएगा पक्का, तो इस 25 पैसे को क्या लिखूंगा, 0.25 रुपीस लिख लो, सही है, तो 0.25 रुपीस दे गए एक मीटर स्क्वायर के लिए, तो एक रुपया दिया जाएगा 1/0.25 मीटर स्क्वायर के लिए, तो 1000 रुपए दिए जाएंगे, 1000 डिवाइड बाय 0.25 मीटर स्क्वायर, तो पॉइंट हटा के 20 ऊपर 2500 गया, इसके बाद इसको मतलब 4000 मीटर स्क्वायर पर टोटल एरिया, ठीक है, उसमें मान लिया ये पार्ट, ये पूरा एरिया कितने का है 4000, उसने ना बताया जो साफ उसकी ब्रेथ है वो 50 है, तो जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर 4000, तो इसका मतलब लेंथ इनटू 50 बराबर 4000 डिवाइड टू 0 से 0 5 से, तो इसका मतलब हम पता चल गया कि जो उसकी पहले वाली लेंथ थी वो कितनी थी 80, अब जो लेंथ बढ़ाई गई वो कितना 20, इसका मतलब जो अब लेंथ होगी वो होगी 100, ब्रेथ कितनी 50,
पचास, तो एरिया कितना? 50 गुणा 100 मतलब 5000 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितने पैसे लगता है? 1.25 लगता है। तो 5000 मीटर के लगेंगे, 5000 गुणा 0.25, तो इस पॉइंट से दो जीरो कट जाएंगे, 25 गुणा 5 125, तो 1250 रुपए। देखो ध्यान दोस्तों, थोड़ी सी बात सुनो, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। देखो इसकी कुछ भी लेंथ थी, इसकी ब्रैकेट में आप बताइए 50 मीटर, तो उस केस में हमने से 1000 रुपए खर्च करवा दिए, बस समझा दी। फिर उसने बोला कि यहां से आगे का जो हिस्सा है ये उसने कितने मीटर बढ़ाया? 20 मीटर। तो ब्रेथ तो उसके भी 50 ही है, तो 50 गुणा 20 कितने हो गए? मोक्ष की प्राप्ति मतलब हमें जो हजार देने पड़ रहे थे वो तो अभी भी देने, इसके एक्स्ट्रा कितने जाएंगे? पहले साफ करवा लिया, उसका 1000 रुपए आप उसे दे दिए, फिर आपने क्या कहा कि भाई से 20 मीटर और साफ कर देगा, मतलब 20 मीटर लंबाई में और साफ कर देगा, तो 20 मीटर लंबाई है, 50 मीटर चौड़ाई है, इसका मतलब वो 1000 मीटर स्क्वायर और साफ करेगा, और 1 मीटर से फायदा वो हिस्सा कितना लेता है? 25 पैसे, तो इसका मतलब इस 1000 मीटर के लिए 250 रुपए लेगा एक्स्ट्रा, तो 1000 तो उसे पहले दे चुके, जो एक्स्ट्रा काम कराएंगे उसके एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे, तो 1000 रुपए ये और 250 रुपए ये, तो खर्च टोटल कितना हो जाएगा? तो हम तो बात से समझा सकते हैं, बट अगर 20 मीटर बढ़ा दें या फिर यहाँ से यहाँ तक भी हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक भी
ये हो जाएगी ठीक है, क्योंकि 2a डायमीटर हो गए तो रेडियस तो ये हो जाएगी ठीक है। अब ये ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू है। तो जब ये पार्ट चार हिस्सों में कट गया तो ये 90 90 90 नहीं बना रहा, इसका मतलब जो ये a है वो हाइट के तरीके से भी काम करेगी और बेस क्या हो गया 2a हो गया, इसका मतलब 1/2 बेस मतलब 2a और हाइट होगी a, तो ये पार्ट कट गया तो पाई a स्क्वायर / 2 और माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर ले लोगे कॉमन तो पाई / 2 - 1 एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये एक क्वार्टर सर्कल ले लेंगे ठीक है, यहां से यहां तक 3.5 में 7 तीन हो गए सर्कल पूरा मार्ग पे ही तो फायदा है। अब यहां से यहां तक ये सब 2 है, आंसर निकालो तो क्या करते हैं? 1/4 ठीक है, पूरे पहले सर्कल के पार्ट का निकालो, उसमें से नीचे का ट्रायंगल घटा दें तो आ जाएगा ठीक है। तो शेडेड पार्ट बराबर किसके? क्वार्टर सर्कल माइनस ट्रायंगल, क्वार्टर सर्कल का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया यहां से यहां 3.5 3.5 का मतलब 7/2 × 7/2 ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हो गया 7/2 और हाइट होगी 2, तो इस 2 से काट दिया 2, 7/2 लिया कॉमन, 1/4 पाई की वैल्यू और 7/2 1 बच गया और माइनस हो गया 1, तो 7 से काट दिया 7, 2 से काट दिया 11 बार, तो इसका मतलब क्या हो गया 7/2 और ये होगा 11/4 माइनस 1 ठीक है। 11 4 7 तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। ABCD एक स्क्वायर है,
PQRC square find area of shaded region. PQRC.
एक क्वेश्चन इसकी ये साइड एरिया आर टू, इसका एरिया होगा 64, ठीक है, सीधा समझ लेना शेडेड पार्ट पे लिया जा 64। अब ये आठ है, ये यहाँ से नीचे का हिस्सा 6 है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो पूरे 90 डिग्री, तो इस ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी का जो एरिया होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट आठ होना, तो ठीक है, तो ये भी साइड 8 है और ये 6 है, तो ये 2 है, इसका मतलब -1/2 8 इंटू 2 और माइनस ये 36, तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो 64 माइनस 16 माइनस 36 तो 12, ये आसान तो क्या बचा 1/3
2/3 और ये तो रेशियो को सीधा करने के लिए पूरे पार्ट को 3 की गुणा कर दें, ये 1 2 और 3 हो जाएगा। समझ आई बात? चलो बात से फिर से क्लियर करो। दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, यदि महत्तम समापवर्तक 3 3 4 महत्तम समापवर्तक 4 यदि महत्तम समापवर्तक 4 है तो संख्याएं और उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:13 1:3 रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:13 रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:13 Their HCF is 4. Find the numbers and also find LCM. Find the numbers and also find LCM. देखो, संख्याओं का रेशियो 7:13 का जो पार्ट है देखो, अगर आपने इसमें HCF की मल्टीप्लाई कर दी तो HCF कितना है? तो कितना आया? 28। इसमें करो, अगर आपने रेशियो में HCF की मल्टीप्लाई करी तो ये नंबर्स आ गए। बस समझ आ गई, HCF और रेशियो के अगर मल्टीप्लाई करी तो क्या बना देगा? नंबर्स। तो मतलब एक नंबर 28 है और एक नंबर होगी बावन। पहला क्वेश्चन करो, अब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, पढ़ चुके आप क्लास 10। तो फर्स्ट नंबर 28, सेकंड नंबर 52, HCF है 4, तो LCM, तो 4 से गया 7, तो LCM बराबर आ जाएगा 364। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत होता है, हम सही है ना? सर्व चल जाएगा, टेंशन मार। 10th क्लास तक इतना बताया जाता है कि दो संख्याएं हो तो पहली मान दूसरी बराबर, हां HCF गुणा LCM इतना बता के छोड़ दे। यस सर। ठीक है, लेकिन ये बहुत बहुत बुरा फॉर्मूला है, पता नहीं मतलब अगर संख्याएं 3 दे दी गई तो उसकी सेवाएं समाप्त हो गई। असुविधा तो दो नंबर तक का एप्लीकेबल है, लेकिन उससे आगे से पता नहीं चलता इसके साथ हो क्या रहा है। अगर कभी भी कंडीशन मान लो ज्यादा नंबर से आते तो ध्यान देंगे, आपको बता देना मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन नंबर्स बराबर होता है HCF की पावर n माइनस 1 इनटू LCM। इसे याद रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा? HCF की पावर n माइनस 1 इनटू LCM। ये परफेक्ट है, आप इसे भी लगाओगे तो इसको लगा सकते हो। दो नंबर है, सुन रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स फर्स्ट इनटू सेकंड हो गया दो नंबर, तो बराबर HCF, और HCF की पावर n माइनस 1 मतलब जितने नंबर है तो 2 माइनस 1 हो गया और इनटू LCM हो गया, तो दो में से एक घटा के एक तो बचेगा, तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर HCF इनटू LCM, इसी वजह से बस। ठीक है, अगर यहां मान लो 3 नंबर होते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड HCF का स्क्वायर इनटू LCM। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछा गया था कि करो सॉल्व,
ratio of four numbers is ratio of four numbers is A is to B is to C is to D. Ratio of four numbers is A is to B is to C is to D. HCF is 3. LCM is 4320. 4320. Find multiplication of numbers. चार संख्याओं का अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है. चार संख्याओं का अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है. HCF 3, LCM 4320. तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें. संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें. सीधा सीधा है कि नहीं? ठीक है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर नंबर्स तो इज इक्वल टू नहीं हो जाएगा कि एच सी एफ की पावर 4 माइनस 1 इंटू एल सी एफ. HCF है 3 की पावर 3 इंटू 4320. तो 27 गुणा 4320 तो 116640. थोड़ी थोड़ी सी बात समझा रही है. लीज मैटर तो 40 साठ बहत्तर से भाग देने पर प्रत्येक समय एक शेष पर छोड़ती है.
पहले बताओ 40, 60 और 72 का एलसीएम कितना? 72 का तुमसे एलसीएम नहीं पूछा, हमेशा जब जितने भी चैप्टर के सब में डिविजिबल फिगर बोलते थे, याद है? ठीक है, डिविजिबल फिगर और एलसीएम अंतर होता है। डिविजिबल फिगर मतलब जो खोपड़ी में आए लग गया, ठीक है, एलसीएम मतलब एक फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एलसीएम बताना, क्योंकि ये टॉपिक से बाहर जा सकते हैं डिविजिबल फिगर का। बताओ एलसीएम कितना? 360। तो 360 एक ऐसी नंबर है जो 40 से भाग दोगे तब भी पूरा कटेगा, 60 से भाग दोगे तब भी पूरा कटेगा, 72 से भाग दोगे तब भी पूरा कटेगा। लेकिन वो क्या चाहता है कि ऐसे संख्या बताओ जो एक रिमाइंडर छोड़ दियो। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, जो भी एलसीएम होगा वो जितना रिमाइंडर होगा, जितना रिमाइंडर उसे चाहिए, पर एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर दोगे। एलसीएम 360 है, रिमाइंडर उसे एक चाहिए, तो इसका मतलब वो संख्या होगी 361। तो 361 पर आप 40 से भाग दोगे तो एक आएगा, 60 से दोगे तब भी एक आएगा, 72 से दोगे तब भी एक आएगा। ठीक है, नोट करेगा फिर बोलता हूँ। छोटे हैं वो पेपर में कई बार क्या करेगा, बड़ा नंबर दे देगा, ठीक है। तो वो इतना बड़ा नंबर देगा तो सोचोगे कि सर एलसीएम लेने से बेटर है मैं इस क्वेश्चन को छोड़ ही रिवर्स में जा रहे। तो वहां क्या करना, वो नंबर उठाना और चार ऑप्शन जो दिए होंगे उसे डिवाइड करके देख लेना, आसानी से होगा। बस मैंने जो चार ऑप्शन आपको देगा उन चार ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लेना, जिस पर सेम रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन पर ऑप्शंस के थ्रू करना, मैंने बता दिया इसका तरीका ये होता है, ठीक है। लेकिन इससे ठीक क्या है कि आप बोथ द ऑप्शंस, क्लियर, समझ पा रहे हो? देखो जरा, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर। एक बात और हिंदी वाले, जब बात होगी छोटी से छोटी तो इसका मतलब खोपड़ी में बैठा लेना एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जहां छोटी से छोटी बोलेगा मतलब क्या निकलेगा, एलसीएम, और बड़ी से बड़ी बोलेगा एचसीएफ, मतलब एचसीएफ। इंग्लिश वाले से याद कर लेना, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन है। तो हाईएस्ट मतलब बड़ा और लेस्ट मतलब छोटा, ठीक है। तो इसमें तो समझ आ जाता है छोटे छोटे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर आपसे बोल रहा है तो उसमें समझ आ जाएगा। हिंदी वाले को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, देख लेना सर, ठीक है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर Which when divided by, find the least possible number which when divided by 48, 60 and 72, 48, 60 and 72 leaves remainder 28, 40 and 52 respectively, leaves remainder 28, 40 and 52 respectively। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 48, 60, 72 से भाग देने पर, 48, 60, 72 से भाग देने पर क्रमशः 28, 40 व 72 शेषफल छोड़ती हो, 28, 40 व 72 शेषफल छोड़ती हो। मतलब क्या है इस बात का कि जब हम 48 से भाग देंगे तब 28 रिमाइंडर आना चाहिए, 60 से भाग देंगे तो 40 रिमाइंडर आना चाहिए, और 72 से भाग देंगे तो 52 रिमाइंडर। बताओ पहले 48, 60 और 72 का एलसीएम बताओ। 720। तो एलसीएम का मतलब आप समझ पा रहे हो कि एक ऐसी संख्या होती है जो कंप्लीट डिवीजन डिवाइड हो जाती है, कोई रिमाइंडर नहीं देती है। मतलब 48 से जब 720 को भाग दोगे तो पूरा कटेगा, 60 से दोगे तब भी पूरा कटेगा, और 72 से भाग दोगे तब भी पूरा कटेगा, ठीक है। मतलब ये डिविजिबल वाला पार्ट होगा। वो क्या कहता है कि साहब जब हम 48 से भाग दें तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 28, 60 से भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, और ये कितना बचना चाहिए, 12। तो देखो इसका गैप पता, इसका हमेशा सेम,
तो आप क्या याद रखोगे, जो एलसीएम होता है उसमें से वो गैप कम करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 720 माइनस 20 बराबर 700, तो 700 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 48 से भाग दोगे तो शेषफल देगा 28, और 60 से भाग दोगे तो 40 देगा, तो 72 से भाग दोगे 52 देगा, यकीन नहीं आ रहा होगा तो देख रहे हैं। उसके राउंड पर 3 रनर्स दौड़ते हैं, ठीक है, वो मान लो उसकी सरकमफेरेंस 1000 मीटर की है, ठीक है, और वो कितने टाइम के बाद उसी पॉइंट पर आएंगे जहां से उन्होंने एक साथ दौड़ना शुरू किया। बस समझ आ गई, दो क्वेश्चन तो ये, एक तो छोटा छोटा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कुछ पार्ट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का बता दूँ, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, तो ये फरमाया हुआ क्वेश्चन है 9 9 9 1 by 7 9 9 9 2 by 7 9 9 9 3 by 7 9 9 9 4 by 7 9 9 9 5 by 7 9 9 9 6 by 7। छोड़ो, सात से सात गया, दो से छह गया, तीन बार, इसका मतलब 6000
माइनस 6 प्लस 3 तो 5,970। देखो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n² + 1/2 होता है। बस होता है एंटर की पॉलिसी का। देखो 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 अगर 1 + 2 + 3 + 4 + अब किस तरीके से n तक गया तो इनका जो जोड़ होगा वो n * n + 1/2 होता है। सुनो दिख लेते हो यहीं पे अगर आप निकाल रहे हो 1² + 2² + 3² + 4² प्लस 5² और इस तरीके से चलता हुआ चला गया n स्क्वायर तक। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम ये होता है n * n + 1 2n + 1/6। अगर आप नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना चाहते हो तो प्लस n क्यूब बराबर होगा n * n + 1/2 का होल स्क्वायर। नोट करना काम आ जाता है एक बार। ठीक है चलो अगली क्लास में मिलेंगे और पढ़ाऊंगा मैं एलसीएम से थोड़े से क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है इसका डीआई पढ़ा।